mabitikitchen.com में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट अपलोड देखने। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बिना खोए के इस्तेमाल से घर पर मथुरा के पेड़े बनाऊंगी, वो भी केवल एक ग्लास दूध से। तो आप इस रेसिपी को पूरा देखिए। तो चलिए हम इस रेसिपी को बनाते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और मथुरा के पेड़े बनाने के लिए हमें एक ग्लास दूध चाहिए। तो यहाँ पर मैंने फुल क्रीम दूध लिया है और दूध को अब हम एक बॉयल आने तक पकाएंगे। तो इसे अब हमें लगातार चलाते हुए पकाना है ताकि दूध हमारा नीचे से लगे नहीं। जब दूध हमारा हल्का गर्म हो जाएगा अच्छी तरह से, तब हम इसमें मिल्क पाउडर मिलाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक चम्मच मिल्क पाउडर लिया है, इससे हमारे दूध का स्वाद और अच्छा बन जाएगा और पेड़े भी हमारे काफी स्वादिष्ट बनेंगे। तो एक चम्मच हमने इसमें मिल्क पाउडर मिला दिया है और इसे अच्छी तरह से चला लिया है। तो अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ 2 चम्मच के करीब चीनी। तो यहाँ पर छोटी चम्मच से सिर्फ हम इसमें 2 चम्मच चीनी डालेंगे, ज्यादा चीनी हम इसमें नहीं डालना है। और इसको भी मैंने अच्छी तरह चला लिया है। तो जब तक ये हमारा अच्छी तरह गाढ़ा हो रहा है, हाफ हो रहा है, तो हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने मैरी गोल्ड बिस्किट लिए हैं। मैंने मैरी गोल्ड बिस्किट इसलिए लिए हैं क्योंकि इनका कोई अच्छा फ्लेवर नहीं होता है, सिंपल ही होते हैं। तो इसी इस तरह से हम तोड़ करके जार में डालेंगे और इसे पीस लेंगे। तो यहाँ पर लगभग मैंने 10 से 12 बिस्किट लिए थे और ये बिस्किट हमने अच्छी तरह से पीस लिए हैं बिल्कुल। और दूध भी हमारा काफी थिक हो चुका है, हमें इसे ज्यादा थिक नहीं करना है। तो एक ग्लास दूध का मैंने हाफ ग्लास बना लिया है और इतना थिक करने के बाद हमने जो बिस्किट पीसा था उसे हम मिला लेंगे। तो इस तरह से हम इसे मिलाते जाएंगे और इसे अब हम धीमी आंच पे मिलाएंगे। तो इस तरह से ये सारा कंबाइंड होने लगेगा और देखिए आप, इकट्ठा हो जाएगा ये सारा और पैन को छोड़ देगा। तो जब ये पैन को इस तरह से छोड़ देगा तो हम इसे सिर्फ 30 से 40 सेकंड के लिए और पकाएंगे, ज्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। आप इस स्टेज पे इसमें इलायची का पाउडर ऐड कर सकते हैं, बट आज हमने इलायची का पाउडर इसमें नहीं मिलाया है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे। ये लगभग रेडी हो गया है हमारा पेड़े बनाने के लिए और इसे ट्रांसफर कर लेंगे हम एक प्लेट में। तो जब ये हमारा हल्का ठंडा होगा तब हम इसके पेड़े बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने चीनी का भूरा लिया है कटोरी में और इसके अब हम पेड़े बना लेते हैं। तो हाथों से हमें मथुरा के पेड़े का स्टाइल जो सा होता है वैसा ही बनाना है। थोड़ा सा हम इसे लंबा करेंगे और फिर इसे हम 2 उंगलियों के बीच से इस तरह से किनारों से दबा देंगे। तो ये इसी तरह से हमारे बन जाएंगे और इसे अब हम चीनी के भूरे या पिसी हुई चीनी में लपेट देंगे। तो मथुरा के पेड़े हमारे बन करके बिल्कुल तैयार हैं, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। और बाकी के पेड़े भी हम इसी तरह से बना के तैयार कर लेते हैं। तो देखा फ्रेंड्स, हमने कितनी जल्दी मथुरा के पेड़े बना लिए हैं, वो भी बिना खोए के। तो आपका जब भी मन करे इन पेड़ों को बनाने का तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और आपके फ्रेंड्स भी एकदम शॉक हो जाएंगे इन्हें देख के। तो चलिए मिलते हैं हम एक और नई रेसिपी के साथ।